प्राइम वीडियो के दफ्तर से आ रहे हैं एक एक गुद्दी लाल करके सीजन थ्री के डिलीटेड सीन्स निकलवाने गए थे पैनी नजर रखना इस बोनस एपिसोड के लिए प्राइम वीडियो पर तो देखोगे तो भोकाल मच जाएगा तुम्हारी जिंदगी में एकदम होश उड़ जाएंगे गारंटी दे रहे हैं और एक बहुत ही <laughs> र्चित लौंडा भी इन्वॉल्व है इसमें हम ही उसे मौत की घाट उतारे थे अर्थात डिलीट मारे थे और बहुत जलवा का वापस आना चाह रहे हैं देखिए मिर्जापुर सीजन थ्री का बोनस एपिसोड आ रहा है इस महीने सिर्फ प्राइम वीडियो पर मजा आने वाला हेलो दोस्तों तो मिर्ज़ापुर थ्री के आने के बाद भले इस सीरीज ने भौकाल मचाया हो या ना हो लेकिन ये तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था कि इस सीरीज का अभी भी कोई एपिसोड बाकी रह गया हो अली फजल के अनाउंसमेंट वीडियो में वैसे तो वो मिर्जापुर के डिलीटेड सीन्स की बात कर रहे हैं लेकिन अब जब यानी अगस्त का लास्ट वीक स्टार्ट हो चुका है और अब तक हमें ये एपिसोड देखने को नहीं मिला है तो क्या फिर से मिर्ज़ापुर के इस बोनस एपिसोड को भी पोस्टपोन कर दिया गया है तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे तो जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि वीडियो के स्टार्ट में आपने अली फजल का ये वीडियो देखा वो आया था अगस्त के फर्स्ट वीक में और इसी के बाद से लोगों के अंदर कंफ्यूजन था कि अब जबकि सीजन थ्री की एंडिंग तो हो गई है तो अब ऐसा क्या बचा कर रखा गया है बोनस एपिसोड में जिसको की मेकर्स हमें दिखाना चाहते है और इसका जवाब भी इसी वीडियो में है जिसमे की अली फजल कहते हैं की इसमें एक चर्चित लौंडा भी है जिसको की हम ही मारे थे चर्चित लौंडा भी इन्वॉल्व है इसमें हम ही उसे मौत की घाट उतारे थे अर्थात डिलीट मारे थे तो यहाँ सबसे पहले ध्यान जाता है हमारे मुन्ना भैया पर अब मुन्ना भैया कितने चर्चित हस्ती हैं मिर्जापुर के ऑडियंस के बीच ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है और अभी भी लोगों को उम्मीद थी कि शायद मुन्ना भैया का रिटर्न हो जाए तो यहाँ सीधी बात ये है कि जो अभी तक नहीं हुआ वो आगे भी नहीं होने के पूरे चांस है यानी की यहाँ मुन्ना भैया का रिटर्न तो आप लोग भूल ही जाइए बिकॉज यहाँ गुड्डू पंडित ने मिर्जापुर में काफी सारे कैरेक्टर को मारा है और सीजन थ्री में तो रॉबिन को भी गुड्डू भैया ने ठिकाने लगा दिया है तो हो सकता है उनमें से ही कोई कैरेक्टर हो जिसके सीन्स को मेकर्स बोनस एपिसोड में दिखाना चाह रहे हो लेकिन मुन्ना के कैरेक्टर अपना रिटर्न यहाँ करते हुए मिले इसकी पॉसिबिलिटी और चांस बिल्कुल जीरो है तो यहाँ तो हमें फिलहाल इस बोनस एपिसोड कोई खास उम्मीद नहीं लगानी चाहिए जब तक की इस एपिसोड में आगे फ्यूचर के लिए कोई नई अनाउंसमेंट ये लोग न करते हुए दिखे तो अब आखिरी बात की क्या ये एपिसोड भी मिर्जापुर थर्ड सीजन की तरह डिले झेलता रहेगा या अभी भी हमें अगस्त महीने में ये देखने को मिल सकता है तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो अभी तक इसके शेड्यूल में कोई चेंजेस नहीं हुआ है और अगस्त के लास्ट वीक में हमें ये एपिसोड देखने को मिल जाएगा और अब अगस्त का एंड चल रहा है तो ये डेट तीस अगस्त की है क्योंकि देखा जाए तो इस एपिसोड की अनाउंसमेंट सिर्फ अली फजल ने ही की थी वो भी काफी कैजुअल तरीके से और अमेजन प्राइम ने अब तक इस एपिसोड को लेके कोई अपडेट नहीं दिया है तो हम लोगों का कंफ्यूज होना बनता भी है और अभी वेट रहेगा इसका प्राइम वालों की तरफ से इंफॉर्मेशन निकल कर आने का बाकी आप इस बोनस एपिसोड से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझे कमेंट बॉक्स में आकर लिखना तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही हमारे चैनल सिनेमा एंड पॉपकॉर्न को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं किसी और वीडियो में टिल देन बाय